मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो देखो नाइन्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, मैंने कल पिछले लेक्चर में आपको जंगल जो पूर्व पठन है, चित्रा मुद्गल जी ने जो लिखा है उस पूर्व पठन का पूर्वाधार मैंने आपको पढ़ाया था। वो मतलब सोनू मोनू जो खरगोश के जो बच्चे थे उसमें से वो सोनू नाम का जो खरगोश का जो बच्चा था वो मतलब मर चुका था, और पीयूष नाम का जो लड़का है उसी घर में, वो पीयूष नाम के लड़के के ऊपर मतलब उसका जो स्वभाव है, उसका जो नेचर है, तो उसमें मतलब बच्चा बच्चा ही रहता है, तो इसीलिए उसके ऊपर क्या गुजरेगी और वो मतलब उसको कितना दुख हुआ है वो सब कुछ मैंने पूर्वार्ध में आपको बताया, और उसको मतलब कोई भी कहने के लिए तैयार नहीं हो रही कि वो मतलब वो बच्चा क्या करेगा, फिर कितना रोएगा। तो अब सभी को मतलब जो छोटे जो बच्चे होते हैं उसको मतलब चाहे मतलब बिल्ली के बच्चे हो या चाहे मतलब कुत्ते के हो, कोई भी बच्चे हो, छोटे मतलब छोटे प्राणी हो, तो उसके ऊपर बहुत प्यार रहता है, तो इसीलिए वो बच्चे बहुत मतलब दुखी हो गए। उसको मतलब हॉस्पिटल में अस्पताल में लेके जाओ, उसको ये सब कुछ करने के लिए वो बोलता है। तो आगे देखो उत्तरार्ध में सभी दुखी होते हैं। दादी मम्मी चार दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। दादी नानी दुख से मर जाते हैं कभी कभी। पीयूष सोनू भी मर सकता है, मर सकता है यानी कि उसको मतलब कैसे बताया जाए कि सोनू चला गया है, गुजर गया है, वो मर गया है, वो बच्चे को कैसे डायरेक्टली बता सकते हैं, इसीलिए वो मतलब कोई भी मतलब उसके सामने बताने की कोशिश नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो छोटे वो जो बच्चा जो छोटा बच्चा जो रहता है उसका मतलब जो उसकी समझ जो रहती है मतलब बालिका जैसी समझ रहती है, इसीलिए उसके ऊपर कुछ कोई असर होगा इसीलिए वो बता नहीं रहे पा रहे थे। कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने, घर में वही भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लाएगा, तिमिशा और शैलेश के संग मेहरौली शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष, उन लोगों ने मंजोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका रखा था, जालीदार बड़े से बाकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखी थी, पीयूष को खरगोश और तोता चाहिए। तिमिशा और शैलेश ने बहुत समझाया, फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें। देखो छोटे बच्चे ने जो भी कुछ देखा ना, मतलब छोटे छोटे प्राणी जब देखे ना तो उसको मतलब इतना प्यार हो जाता है कि वो मतलब बोलते हैं उसको लेके चलो आपके घर में, यानी फ्लैट होगा तो फ्लैट में रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे, सब बोलते हैं अरे इसको मतलब फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन हो जाता है, कहाँ पे रखने का उसको, उसके लिए भी कुछ ना कुछ छोटी मोटी जगह करनी पड़ती है। लेकिन वो हट करके बैठा था बालकनी में, पीयूष ने जगह ढूंढ ली, तिमिशा ने उसकी बात काट उसे बहलाना चाहा, पूरे दिन खरगोश बाकड़े में नहीं बंद कर सकती, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा, छोटे से घर में वे भागा दौड़ी करेंगे, सू सू छिछी करेंगे, उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा। वो मतलब उसको बता रहे थे कि एक सोनू चला गया तो मतलब वो जो दिल्ली में चला गया नेहरौली में, वहाँ पे जो खरगोश देखे उन्होंने, तो वो बोल रहा है कि यहाँ से एक खरगोश का बच्चा आपके घर पर लेके चलो। वो सब उसको बता रहे हैं वो मतलब छिछू करेगा, वो पेशाब करेगा, टट्टी करेगा, वो कौन साफ करेगा, घर में जो भी खरगोश है, जो भी कुछ है, मतलब कुत्ता होगा या चाहे कोई भी पशु पक्षी होगा, वो पालने के लिए ऐसा नहीं आसान नहीं है, क्योंकि उसका सब कुछ जो है वो भी मतलब देखभाल करनी पड़ती है। वो बोलता है पीयूष जो भी कुछ दादी करेगी, क्या बोलता दादी करेगी ना उसका सब देखभाल, दादी पढ़ाने कॉलेज जाएगी तो उनके पीछे कौन करेगा, उसको बताते अरे दादी तो कॉलेज को पढ़ाने के लिए जाती है तो फिर उनके पीछे कौन करेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा, स्कूल से घर आकर मैं कर लूँगा। देखो पीयूष मतलब इतना जिद्दी था, वो बोला मैं करूँगा, वो स्कूल चली गई ना तो उसके बाद मैं करूँगा। सारा घर हंस पड़ा, सब लोग तब और चकित हो रहे थे जब पीयूष ने दादी को बताने की कोशिश की कि दादी उसके जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार देती ही है, क्यों ना इस बार में खरगोश और तोता ला कर दे दे। निरुत्तर दादी उसे लेकर लाजपत नगर चिड़ियों की दुकान पर गई। देखो वो बच्चा मतलब इतना जिद्दी था ना, उन्होंने मतलब मेरे जन्मदिन पर बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, खरगोश या तोते का बच्चा ही चाहिए। तो वो मतलब जहाँ पे तोता और खरगोश पालने वाले जो लोग रहते हैं उसके पास चले गए, और उन्होंने क्या किया तत्काल उनका नामकरण भी, मतलब पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया, तत्काल उनका नामकरण भी कर दिया सोनू मोनू। सोनू मोनू के साथ उसका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा बाकड़ा, उस साज सोसाइटी के उसके सारे हमजुली बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते सहारते रहे, और पीयूष के भाग्य से
ईर्ष्या करते रहे। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। पीयू को भी दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा। पीयू उनका घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों एक दूसरे को देख ढाढ़स महसूस करेंगे। उन्होंने स्वयं भी कॉलेज जाना स्थगित कर दिया। सुबह उन्होंने दूध के कटोरे को छुआ और कुछ छुआ नहीं। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह कर सुनता रहा। उन्हें मोनू की चिंता होने लगी। देखो सोनू तो चला गया था, लेकिन सोनू को देखकर मोनू जो दूसरा खरगोश के जो बच्चा था वो भी मतलब उसको समझ में आया कि सोनू चला गया है। तिविशा अपराध बोध से भरी हुई थी। माननीय दीदी ने उसने अपना संशय बांटा। चावल की टंकी में घूम हो रहे थे। उस सुबह उसने मारने के लिए डाबर की पारी गोली गोलिया की शीशी खोली थी चावलों में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मरोड़ कर जैसे ही उसने ढक्कन खोलना चाहा, कुछ गोलियां चिचक कर दूर सा जा गिरी। गोलियां बटोर उसके टंकी में डाल दी थी। फिर भी उसे शक है कि एक आध गोली कोने कोने में छूट गई होगी। और दादी मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं? बेटा सोनू जो उसने बिछड़ गया है वह दुखी है। दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना। दादी बोलती है, दादी उसकी मतलब समझूत निकालती है और उसको समझाती है कि वो बोलते हैं कि अरे पीयूष वो सोनू चला गया है इसीलिए मोनू दुखी हुआ है। और सोनू मोनू दोनों एक साथ खेलते थे इसीलिए वो भी मतलब परेशान होता है, इसीलिए वो भी एकांत में एक जगह पर बैठ रहा है। मुझे तो भी सोनू के जाने का दुख है। दादी क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? मानवी दीदी ने तड़प कर पियो के मुंह पर हाथ रख दिया। डाटा अरे ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है? पियो ने प्रतिवाद किया, आपने ही तो कहा था दादी सोनू दुख से मर गया। कहा था उसे अपने माँ बाप से छुड़ाने का दुख था। जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप है, तुम तो अपने माँ बाप के पास हो। देखो वो बोलता है क्या सोनू मोनू जैसे हम भी मर जाएंगे? दादी उसके मुंह में हाथ रखती है, अरे ऐसी कोई बातें मत करने का, क्योंकि सोनू चला गया तो मोनू उसके दुख में वो तड़पता रहा है और उसके जो घर है सच में उसमें उसके जो घर है वो जंगल में रहते हैं, यानी कि जो भी कुछ उसके जो घर रहते हैं वो मतलब जंगल में रहता है। तो लेकिन जंगल में से छुड़ा कर आप यहाँ पे फ्लैट में लेके आए तो उसकी निगरानी करनी तो ही पड़ेगी। दादी हम सोनू मोनू को उसके माँ बाप से अलग करें रखेंगे तो वह भी मर जाएंगे दुख से। मानवीय दीदी निरुत्तर हो गई। मतलब छोटे बच्चे जो रहते हैं ना ऐसे क्वेश्चन के क्वेश्चन यानी सवाल पे सवाल पूछते रहते हैं कि हम भी मर जाएंगे, सोनू जैसे चला गया तो हम भी चले जाएंगे, मोनू चला गया तो हम भी सब चले जाएंगे। और जो बड़े जो बुजुर्ग लोग रहते हैं वो निरुत्तर हो जाते हैं। दादी हम मोनू को जंगल में जाकर छोड़ देंगे तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुँच जाएगा, फिर तो वो मरेगा नहीं ना। अगर देखो एक खरगोश का बच्चा एक तो मर गया है सोनू, मोनू को जंगल में छोड़ देंगे तो वो नहीं मरेगा ना, क्योंकि उसको मतलब बहुत सारे उसके जो भी कुछ खरगोश के बच्चे रहेंगे उसके उसी के साथ वो खेलेगा दौड़ेगा, नहीं मरेगा। पर तो मोनू के बिना रह न रहे। मानवी दीदी का कंठ भरा है, अरे नहीं होगा बेटा, ये सब कुछ नहीं होगा, लेकिन तू अभी मतलब इतने सवाल मत पूछ। प्रहर होगा, ठीक है शैलेश से कहूँगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में खरगोश ही दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे। दादी मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए। कहा था, अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। मांडवी दीदी ने पीयूष को सीने से खींच लिया और धनाधन उसका मुंह झूमने लगी। देखो इस पूर्व पटम में देखो वो जो छोटा बच्चा है मतलब प्राणियों की तरफ उसकी कितने मतलब कितना प्यार है उसको, कि मतलब जैसे छोटे छोटे नन्हे बच्चे रहते हैं वो एक दूसरे के साथ जैसे खेलते हैं वैसे ही मतलब जो घर में जो पालतू जानवर रहते हैं यानी कि खरगोश हो, तोता हो, मैना हो, चाहे कुत्ते के बच्चे हो, जो भी कुछ हो मतलब उसको सभी को मतलब छोटे बच्चे को बहुत पसंद रहता है। और मतलब घर वाले को भी इतना परेशान कर दिया उन्होंने कि एक मर गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, वो भी चला जाएगा, उसके माँ बाप कहाँ रहते हैं, ये सब कुछ उन्होंने क्या क्या बताया। मतलब ये जो है मुग्धा जी ने यहाँ इस बालक की कहानी से मतलब बालक का मन ऐसा रहता है, बालक को एक तरीके से भगवान का रूप समझा जाता है। तो फिर ये बालक की जो मतलब एक सोनू चला गया तो उसकी जो परेशानी थी उस परेशानी का सब यातायात तो उन्होंने क्या किया है बताया है इस जंगल नाम की कहानी से, इस जंगल नाम के पूर्व पटन से।
वो ये मंगल जी ने बहुत ही अच्छा और सुंदर वर्णन किया है। यहाँ पे ये मिशन खत्म हो चुका है, उसके बाद जो उसके पीछे जो मतलब संजय कृति पूरी करो, यहाँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो नोटबुक में अच्छे तरीके से सॉल्व करने का है। पहचाने रिश्ते, रिश्ते जो है रिश्ते भी बताए गए हैं, जैसे कि दादी दिविशा कौन कौन है, पीयूष शैलेश, दिविशा शैलेश, शैलेश दीदी, इसके रिश्ते में क्या क्या है ये बताने का है। और पालतू प्राणियों के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके विचार क्या है, आप खुद की राय भी लिखने का है। ये जो क्वेश्चन है वो मतलब आप नोटबुक में सॉल्व करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही।